नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 1 फरवरी 2022 की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु वृषभ राशि, केतु वृश्चिक राशि में, शुक्र और मंगल धनु राशि में, सूर्य बुध चंद्रमा और शनि मकर राशि में, गुरु कुंभ राशि में गोचर में चल रहे हैं। विषयोग बना हुआ है और अच्छी स्थिति इसको नहीं कही जाएगी जनमानस के लिए। राशिफल देखते हैं। मेष राशि, व्यवसायिक घाटा संभव है, सीने में विकार संभव है, पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कुल मिलाकर के ये मध्यम समय है प्रेम संतान स्वास्थ्य और व्यापार के लिए, थोड़ा बच के पार करने की आवश्यकता है। शनिदेव को प्रणाम करते रहें। वृषभ राशि, स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम की स्थिति मध्यम, संतान की स्थिति मध्यम, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं। यात्रा में कष्ट हो सकता है और किसी तरीके की कोई मान सम्मान पे अभी आक्षेप ना लें। गणेश जी को प्रणाम करते रहे। मिथुन राशि, स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है, संतान की स्थिति और प्रेम की स्थिति सुधर चुकी है, लेकिन थोड़ा सा जोखिम मत लीजिएगा किसी भी तरीके से, खासकर स्वास्थ्य के मामले, अदरवाइज परेशानी हो सकती है, चोट चपेट लग सकता है, वाहन चलाते समय सावधानी बरतना जरूरी है। लाल वस्तु का दान करना उचित होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है, व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी सही समय नहीं है, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना और जीवन साथी के साथ संबंध पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत आराम से फुक फुक करके कदम लेकर के आगे बढ़िए। स्वास्थ्य प्रेम व्यापार सब प्रभावित दिख रहा है। बजरंग बली के शरण में बने रहे, उन्हें प्रणाम करते रहे और हो सके तो शिव जी का जल अभिषेक करें। सिंह राशि, शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे लेकिन डिस्टर्बेंस बना रहेगा, स्वास्थ्य में थोड़ा नरम गरम चीजें चलती रहेगी, प्रेम और व्यापार की स्थिति अच्छी चलती रहेगी। नीली वस्तु का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि, मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कोप अप करने में प्रॉब्लम होगी, उलझने बहुत बढ़ी रहेगी। स्वास्थ्य मन संतान प्रेम और विद्यार्थी का पढ़ाई लिखाई सब प्रभावित इस समय रहेगा। बस एक दिन की बात, बस बच के पार करें। शनिदेव को प्रणाम करते रहे। तुला राशि, घर में तूतू मेमे का संकेत है, मन अवसादित रहेगा, माँ के स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, घर में कलह का संकेत है, भूम भवन वाहन की खरीदारी पर भी विचार ना करें, प्रेम स्वास्थ्य व्यापार मध्यम दिख रहा है, पीली वस्तु का दान करें। वृश्चिक राशि, बस अपनों के स्वास्थ्य पे ध्यान दें, बाकी व्यवसायिक स्थिति आपकी बड़ी अच्छी दिख रही है, स्वास्थ्य भी आपका ठीक है लेकिन नाक कान गला की परेशानी हो सकती है, प्रेम और संतान सही चलता रहेगा, पीली वस्तु पास रखें। धनुराशि, धन का आवक बना रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन सोर्स जो स्रोत है धन का उस पर ध्यान रखिए और अभी रुपए पैसे किसी को मत दीजिए, अदरवाइज नुकसान संभव है। स्वास्थ्य ठीक है लेकिन मुख रोग के और नेत्र रोग की परेशानी हो सकती है, प्रेम और व्यापार आपका सही चल रहा है, हरी वस्तु का दान करें। मकर राशि, ऊर्जा का स्तर ऊपर नीचे होता रहेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, प्रेम और व्यवसाय की स्थिति आपकी काफी सुधर चुकी है, काली जी को प्रणाम करते हैं। कुंभ राशि, मन परेशान रहेगा, खर्चे से भी मन परेशान रहेगा, पार्टनरशिप में थोड़ी प्रॉब्लम का संकेत है, स्वास्थ्य प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, प्रेम और व्यापार भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, गणेश जी को प्रणाम करते रहे। मीन राशि, आय में आशातीत बढ़ोतरी लेकिन मन परेशान रहेगा, प्रेम और संतान की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, स्वास्थ्य ठीक है लेकिन मानसिक स्वास्थ्य थोड़ी गड़बड़ी बनी रहेगी, शिव जी को प्रणाम करते रहे। नमस्कार।